हरियाणा के कलयात विधानसभा में सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री में सिलेंडर यह पहुंचाने का काम भी मोदी जी ने किया है। 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। विकास सबका, सुरक्षा सबको, योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ मोदी जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार ने किया है। और इसलिए भाइयों, मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, कांग्रेस का हाथ ड्रग माफियाओं के साथ, भू माफियाओं के साथ, कैटल माफियाओं के साथ, माइनिंग माफियाओं के साथ, और इनका साथ, इनका हाथ दंगाइयों के साथ। ये जितने दंगाई होते हैं यूपी में, तो किसी से 7.5 वर्ष में दंगा नहीं हुआ, लेकिन किसी से पहले के दंगे के बहुत होते थे। हर दूसरे दिन किसी से एक दंगा होता था, महीनों महीनों चलता था, महीनों महीनों चलता था, कभी कभी करने वाले हो, करवाने वाले हो, दोनों सुन लो, अगर दंगा किया उल्टा टांग करके झोंका लगा करके यूपी के अंदर दंगा नहीं होता। किसी भी बेटी के चाचा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, किसी व्यापारी का कोई अपहरण नहीं कर सकता, किसी अन्नदाता किसान की फसल को कोई जबरन नहीं कर सकता, किसी नौजवान की नौकरी और रोजगार के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो इसका भुगत तो भोगी भी होगा, उसकी पूरी संपत्ति, 7 पीढ़ियों की पूरी संपत्ति दे दी जाती है गरीबों में वितरित कर दी जाती है। और इसलिए बहनों भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया, ये लड़ाई विकास की भी है, सुशासन की भी है, उज्ज्वल भविष्य के लिए है। ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया, कैटल माफिया, माइनिंग माफिया, इनमें से किसी को हम फिर से पनपने नहीं देंगे, इस संकल्प के साथ जुड़ने का ही है। और इसलिए 5 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की तृतीया तिथि पर हरियाणा वासियों को एक विकसित हरियाणा के लिए, एक भागड़ हरियाणा के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना है, जो हरियाणा के अंदर फिर से गठबंधन सरकार बना सके। और श्रीमती कमलेश दादा जी जैसा कोई न्यूनतम प्रत्याशी दूसरा इस मैदान में कवायत में नहीं है। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के आया, आपका आशीर्वाद मिलेगा, कमलेश जी को मिलेगा, सभी का मिलेगा, लेकिन ये कभी होगा साथ तक जब आप में से 8 व्यक्ति आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आज इसके बाद तत्काल जाइए, कल पूरा दिन है, कम से कम हर व्यक्ति 10-10 नए लोगों को बीजेपी के कमल खिलाने के लिए वोट देगा। और तभी दीपावली में मां लक्ष्मी आकर